माफी चाह रहा हूँ, मैं सबकी जगह हो तो मैं अपनी बात कहूँ। अगर सभी लोगों की, मेरे बुजुर्गों की, मेरे साथियों की इजाजत हो तो मैं अपनी बात कहूँ। मेरा नाम नवरतन सिंह नेताजी है, मैं ग्रेटर नोएडा से रहने वाला हूँ और समाज के लिए मैं 96 से काम कर रहा हूँ, जब तक मैं 24 साल का। और ज्यादा ना कहते हो, यहाँ मेरे सभी मेरे आदरणीय बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहूंगा। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल समस्या सुझाव पे ही बात करूंगा, बिल्कुल कोई भाषण नहीं, कोई बात नहीं, काम मैंने बहुत किए हैं। और अभी एक भाई को मैं बता दूं कि मैंने जो काम किए हैं, कास्ट को लगा के काम नहीं किए, सब कास्ट को खड़ा करके काम किए, चाहे उसमें कोई भी हो, सर्व कास्ट के अनुसूचित जाति के लिए काम आज भी कर रहा हूँ और करता रहूंगा। अब जहां तक आज ये संसद की बात थी तो उस पर हम बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिला को रहे, बच्चों को रहे, हमको हो रहे, उसके जिम्मेदार हम भी हैं, हमारी सोसाइटी कैसे हैं, हम हमारी सोसाइटी कैसे जिम्मेदार है, उसका मैं एक कारण बताता हूं जिससे उस सोसाइटी से मैं भी निकल गया, क्योंकि हमारी मानसिक गुलामी है। हम यहां से, अगर हमारी यहां से डर और मानसिक गुलामी निकल जाती तो उतने हम स्वतंत्र हो जाएंगे, चाहे वो आज हमारा एमपी बन जाए, चाहे राष्ट्रपति बन जाए, चाहे मैं आज सफेद कुर्ता पहन कर, मेरी मानसिक गुलामी हुई है, मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा, जाट हो जाऊंगा, मुझे मारना है, मैं जो अपनी बात को ना कहूं, मेरी बहन की इज्जत रुकती है, मैं वहां जाकर कहता हूं अरे भाई साहब कोई बात ना, फैसला करा। ऐसे गद्दार हमारे यहां वो किस वजह से है, मानसिक गुलामी से। और वो कौन करता है, जो गांव का प्रधान बनता है, चाहे वो सरकार, चाहे मैं सरकार तो मैंने खत्म कर दी, जो भी हमारे सरकार भाई होते हैं वो हमारे साथ करता है करता डर की वजह से, उसको लालच दिया जाता है कि हम तुम्हारे द्वारा प्रधान हम बनाएंगे। सर उसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूं कि हमें यहां से डर निकालना होगा, और वो डर निकालने के लिए हमें धर्म संसद बना करके दिया, हमारे सब साथी जितने मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, हमें गांव का जाना होगा, उधर निकलवाना होगा। पहले डर हम अपना निकालें, फिर अपने बच्चों का निकालें, महिलाओं का निकालें, और जो भी मेरे सामने जो बात आ रही है कि पाखंड को दूर रखें। और पाखंड दूर कैसे रखा जाएगा, एक हमारे पास एक धर्म, धर्म के नाम पर एक हमारे पास बौद्ध धर्म है, बौद्धिस्ट। देखिए सीधी बात, नहीं की जाती कुंवर सेन साहब, किसी बात की प्रस्तावना, और आज अगर हम धर्म संसद की बात करें, कचरा मेरे का धर्म संसद बन गया, सीधी बात नहीं की जा सकती, बात को तो मोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं ले जाकर दिया, उसका हल निकालना ही पड़ेगा। अगर बौद्ध धर्म बना दिया जाए और फिर भी वही मानसिकता रही हमारी, तो फायदा कुछ नहीं होगा। पहले हमारी अभी पॉइंट है मेरे पास, अभी जब पॉलिटिक्स की बात जब आ रही थी, राजनीतिक पार्टी की बात, राजनीतिक पार्टी में अभी बाबूजी रावत जी बता रहे थे कि घर से रोटी लेके जाते थे और उस आदमी को चुनते थे। उन लोगों की मिसाल आज भी है, उन लोगों ने आज तक, उन्होंने के पास कार नहीं है, जिन लोगों के लिए रोटी लेके जाते थे जमाए बुजुर्ग, आज भी वो मिसाल है, बाबूजी ठीक कर रहे हैं, आज वो एकदम प्रतिकूल हो गया है। हम चाहते हैं कभी, अभी आप बाबूजी आए, मैं एमपी के लिख रहा हूँ, क्या मुझे क्या मुर्गा दोगे, शाम को मेरी पार्टी कैसे होगी, 5-2 हजार मेरे बच्चे के लिए चाहिए, तो ये सब चीज हमें जागनी होगी। ये मेरा पहला सुझाव, ये सब हमें लालच त्यागने होंगे। आज हमारे बुजुर्ग लोग जो बता रहे हैं ना, कभी लालच को त्यागने से ही हमारी मानसिकता की गुलामी खत्म होगी। पार्टी बनाने की बात नहीं की मैंने पार्टी पॉलिटिक्स की बात की, जहां तक ये पार्टी पॉलिटिक्स जो रावत जी बताया, उसके भी हम गुलाम है, एक थैली के, मिठाई के, कपड़े के, उसके गुलाम है, उसको हमें लालच को त्यागना होगा। लालच त्यागने की बात की, लालच त्यागना। दूसरा, अभी आप कह रहे थे कि हम उन एमपीओ पर दबाव बनाएंगे, कैसे दबाव बनाओगे, सबकी तो बिहार जा रही है, सबके संविधान अलग अलग है, कैसे बनाओगे आप अपना, मुझे तो नहीं लगता कैसे बन जाएगी। हाँ, ये बात मुझे समझ आई, किसी ने कहा कि अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुला करके उनसे बात की जाए कि भी आप हमारे अपने लोग हो, आप हमारी बात करें, समाज की बात करें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के हक की बात करें, जितना आप कर सकते हो, और ज्यादा ज्यादा बात करें, अगर हो सके तो 131 जितने भी तो एमपी, बाकी एमएलए, बाकी एमएलए में भी पार्षद नीचे से लेकर के सबकी एकता, एकता में बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि मैं जहां तक अपनी बात कहूं तो अभी जज साहब जो बोल रहे थे लीगल सेल, लीगल सेल की बड़ी अच्छी बात है कि लीगल सेल का बड़ी जरूरी आवश्यक ही चीज है, और लीगल सेल में भी उन वकीलों को ईमानदार होना पड़ेगा।
हमारे जो समाज के वकील है सबसे ज्यादा जो ना पहले कहेंगे हम तो बड़े फ्री लड़े हैं, उसके बाद कहेंगे भाई फीस तो दे दे। मैं बिल्कुल गली सच्चाई बोल रहा हूँ आज को, आपको पेपर में व्हाट्सएप में बोलेंगे हम फ्री लड़ाई लड़ेंगे, वहां बहन की लड़ाई लड़ेंगे, चार आदमी बंद हो गए तो फ्री छुटाए हैं, जब उसके परिजन आएंगे कि एक जना मकान था हम खरीदने चला वो 150 रुपये का आता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।